The question is, find all the points of discontinuity of f where f is defined by fx is equal to mod of x by x if x is not equal to 0 and this is equal to 0 if x is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए पहले मैं आपको question के part को समझा देता हूँ. Question में आपको एक function provided है जो कि piecewise defined है. Piecewise defined function हम लोग generally उनको बोलते हैं जो pieces में defined होता है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू जीरो नहीं है तब आपको लेना है मॉड ऑफ x बाई x और जब x जीरो के इक्वल है तब आपको कंसीडर करना है जीरो. अब क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि आपको वो जानना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो कितनी लोकेशंस पे डिसकंटिन्यूअस है. अब जनरली ट्रेंड ये है कि हम लोग ये क्वेश्चन देख के डायरेक्टली जीरो पे जाके टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये भी जस्टिफाई करना होगा कि जीरो के अलावा कहीं और टेस्टिंग की जरूरत हमें क्यों नहीं है. तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ऊपर. सबसे पहले मैं फंक्शन को एक बार नोट कर लेता हूँ. फंक्शन मेरे पास है fx is your, this is equal to mod of x by x when x is not equal to 0 and this is equal to 0 when x is equal to 0 के. अब देखिए थोड़ा सा मॉड का अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को और बेटर लेवल पे समझ सकते हैं. जैसे मॉड ऑफ एक्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मॉड ऑफ एक्स x के बराबर होता है जब x आपका ग्रेटर इक्वल टू जीरो है और ये माइनस x के बराबर होता है व्हेन x इज लेस देन जीरो हो. तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं सबसे पहले इस फंक्शन को रीडिफाइन कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा और बेटर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसके लिए मुझे यहाँ पे केसेस बनाने की जरूरत पड़ेगी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट इक्वल टू जीरो में अपन दो केसेस ले लेते हैं, एक x लेस देन जीरो के लिए और एक x ग्रेटर देन जीरो के लिए, क्योंकि दोनों में मॉड एक्स जो है वो जीरो के बाद अपनी वैल्यू को चेंज करता है. जीरो से पहले मॉड लेंगे तो अलग सिंबल आएगा और जीरो के बाद अगर आप मॉड लेंगे तो अलग सिंबल आएगा. तो मैंने यहाँ पे तीन केसेस बना लिए हैं. एक आपका एक्स लेस देन जीरो के लिए मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, एक ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन करूंगा और जीरो पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन में जीरो आपको दे ही रखा है. ठीक है, अब चलिए बात करते हैं फॉर लेस देन जीरो के लिए. लेस देन जीरो के लिए आप देख सकते हैं कि फंक्शन आपके पास है मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, पर अगर x आपका लेस देन जीरो है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन जीरो, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं माइनस x डिवाइडेड बाय x और ये कैंसिल होकर रिजल्ट बन जाता है माइनस वन के. तो लेस देन जीरो पे डजंट मैटर कि आप क्या नंबर डाल रहे हैं, वैल्यू हमेशा के लिए माइनस वन आएगी, मतलब विच इज ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी. और अगर आप x ग्रेटर देन जीरो के लिए काम कर रहे हैं तो फिर ये एक्सप्रेशन बनेगा मॉड ऑफ x बाय x और मॉड ऑफ एक्स आपका एक्स के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई एक्स और ये कट के वैल्यू आपको वन मिल रही है. यानी कि फंक्शन को अब मैं बेटर फॉर्मेट में देख सकता हूं और इसके बाद अपने को आंसर कमेंट करने में काफी आसानी हो जाएगी. आप यहां पे देख सकते हैं कि जब एक्स आपका लेस देन जीरो है तो फंक्शन आपको यूज करना है माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो. अगर एक्स आपके पास जीरो है तो फंक्शन आपको लेना है जीरो और जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन आपको लेना है वन. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी थोड़ा ग्राफिंग भी कर लूँ, थोड़ा सा एक रफ स्केच बना के दिखाऊं तो ग्राफ आपको ऑलमोस्ट ये कुछ ऐसे नजर आएगा कि जीरो से पहले आपको वैल्यू लेनी है माइनस वन, जीरो पे आपको लेना है जीरो और जीरो के बाद आपको वैल्यू लेनी है वन. ये आप देख सकते हैं. अब क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ये फंक्शन कितने लोकेशन पे डिसकंटिन्यूअस है. अब क्योंकि लेस देन जीरो पे जो फंक्शन है वो हमेशा के लिए माइनस वन है तो ये कभी ब्रेक नहीं करेगा, जीरो के बाद में भी ये कभी ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन जो ब्रेक इसमें आ रहा है वो आ रहा है जीरो पे, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये आपकी माइनस वन है. फंक्शनल वैल्यू की बात करें तो वो आप देख पाएंगे वो जीरो है और राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू वन. और अगर आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस बने तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू और ऑब्वियस अगर आप जीरो पे टेस्ट कर रहे हैं तो एट द जीरो जो भी फंक्शन वैल्यू आएगी वो आपको लेनी है और इसकी राइट हैंड लिमिट, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए. पर इन द गिवन क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो. तो क्वेश्चन में बेसिकली आपको पूछा गया था कि ये फंक्शन कितनी लोकेशन पे डिसकंटिन्यूअस है, तो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है कि जीरो के अलावा क्यों टेस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि जीरो से पहले माइनस वन है हमेशा के लिए, जीरो के बाद हमेशा के लिए वन है. हाँ, जीरो भी अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है और आप देख पाएंगे कि जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट में माइनस वन है, राइट में वन है और जीरो पे जीरो है. सो वी कैन क्लेम द गिवन फंक्शन इज, वी कैन से एफ एक्स इज,
fx is discontinuous, continuous at x is equal to 0.